स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक साल पूर्व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को सुपेला पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही शिष्य के घर में की थी चोरी। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जन्मदिन पूरे प्रदेश में मनाया गया हर्षोल्लास से। दुर्ग भिलाई में भी उनके समर्थकों ने केक काटकर ताम्रध्वज साहू के दीर्घायु होने की कामना की। और आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह नजर आ रहा हर तरफ। घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने अभियान जोरों पर। अब खबरें विस्तार। दुर्ग निगम ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने इंदिरा मार्केट पार्किंग में तिरंगा दुकान का शुभारंभ किया। वही बड़ी संख्या में झंडा लेने वाले निगम की दुकान पर पहुंचकर अपने मन पसंद का तिरंगा लेते लोग नजर आए। दुर्ग नगर निगम ने शनिवार को इंदिरा मार्केट पार्किंग में तिरंगा दुकान का शुभारंभ किया, जिसका विधिवत शुभारंभ निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया, जहां महिला समूहों के सदस्यों द्वारा बनाए गए झंडों को किफायती दरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम क्षेत्र के अन्य चिन्हित जगहों में भी स्टॉल लगाकर शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों सहित आम जनों को झंडे उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त शहरवासियों से अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा के तहत शहर के लोगों की सुविधा के लिए दुर्ग के इंदिरा मार्केट पर दुकान खोली गई है। वहीं जरूरत के हिसाब से लोग पहुंचकर अधिक से अधिक झंडे का ऑर्डर भी दे रहे हैं, जिसका पूर्ति करने महिला समूह अब शासन की मदद चाह रही है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष क्षेत्र स्तरीय समिति की संचालिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही झंडा लेने पहुँचे भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सक्षम क्षेत्रीय संगठन वार्ड नंबर 1 से गीता सोनी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। मेरे समूह में कम से कम 200 महिलाएं हैं, अभी कम से कम 50 लोगों को काम मिला है। मेरे पास बहुत भी आर्डर आ रहे हैं, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि शासन का कुछ सहयोग मिले मेरे को। किस तरह का सहयोग चाहते हैं आप? जैसे कपड़े लेने हैं, दुकानें हैं, और कुछ कुछ और हेल्प चाहिए मेरे को। तो अभी मतलब जो पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं झंडे की? अभी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी और भी स्टॉल लगने वाला है, उसमें कुछ सहयोग चाहिए था। वो ठीक। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां आज़ादी का वर्षगांठ होने पे देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, और उनके आह्वान को जनमानस अक्षरशः पालन करता है। देश प्रेम की भावनाएँ हम सब में हैं, और इस बार जो आह्वान हुआ इससे हम घर घर झंडा फहराने के लिए मैं देख रहा हूँ लोगों में उत्साह का वातावरण है। इसलिए इसके साथ साथ और केंद्र दुर्ग शहर में खोले जाने चाहिए, ताकि आम आदमी को सुलभता से झंडा उपलब्ध हो सके। विभिन्न साइजों के होने चाहिए, और देश प्रेम का भावना भारत के प्रत्येक नागरिक में है, तभी हमने आज़ादी पाई है। केवल आवश्यकता है तो इन सेंटरों को और शहर के कुछ जगहों में हम खुलवाएँ, ताकि आम लोग आसानी से झंडा ले सकें। वैसे तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन ये भी झंडा उपलब्ध कराने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि ऐसे सेंटर्स और खुल जाएं, ताकि आम नागरिक झंडा करके अपने घरों में फहरा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधायक ताम्रध्वज साहू शनिवार को 73 वर्ष की आयु पूरी कर 74 वर्ष में प्रवेश किए हैं। उनके जन्मदिन को लेकर उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए प्रत्येक समर्थक जुटे रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह, पर्यटन, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने कार्यकाल में अपने सुमधुर व्यवहार के साथ ही विकास कार्य एवं प्रशासनिक क्षमता के कारण अच्छी पहचान बनाई है। उनका ये कार्यकाल काफी उपलब्धियों से भरा हुआ है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल भी रहा है। साथियों, अतिथिगण, मैं जन्मदिन के अवसर पर कुछ बोलने के लिए बोलते हैं तो मैं ये नहीं समझ पाता कि क्या बोलना चाहिए जन्मदिन में।
क्योंकि नेता लोग बाकी सब चीज में तो खूब बोल लेते हैं, लेकिन ये चीज ऐसा है जन्मदिन कि इसमें क्या बोला जाए कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जैसा कई बार कहता हूँ इसको खुशी का अवसर मनाएं, क्या मनाएं, जन्मदिन आता है, सीजू कार्यक्रम रखता था तब भी बोलता था जन्मदिन आता है तो मैं समझता हूँ एक साल जीवन का कम हो गया है, ये भी एक पहलू है जन्मदिन में। पर खुशी के वातावरण में हम सब मिलते जुलते हैं, एक बड़ी अच्छी बात होती है कि इस मायने में एक अच्छा अवसर होता है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है इसी बहाने इकट्ठा होकर, और मैं कभी कुछ मांगता नहीं, सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ कि जितना ज़्यादा आशीर्वाद आप सब मुझे दे सके जरूर दे, यही मांगता हूँ, जितना स्नेह मुझे दे सके, जितना प्यार मुझे दे सके, मेरे जीवन में सिर्फ इसी चीज की कमी रहे। शहर के नागरिकों को पानी की समस्या ना हो इसे लेकर दुर्ग महापौर व निगम आयुक्त ने जल कार्य विभाग के अधिकारी व अमृत मिशन के ठेकेदारों की बैठक ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर निगम के डाटा सेंटर के सभागार में महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे एवं जल कार्य प्रभारी संजय कोहले ने जल कार्य विभाग एवं अमृत मिशन योजना के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों की औचक बैठक ली, जिसमें शहर क्षेत्र के वार्डों में जल प्रभावित समस्या को गंभीरता से लेते हुए महापौर आर आयुक्त ने अधिकारियों को इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा, अमृत मिशन योजना के तहत निगम क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के नवनिर्मित पानी टंकियों को पहले भरा जाए, साथ ही वार्ड 20 आदित्य नगर क्षेत्र में बिछाई गई पुरानी लाइन से 100 नल कनेक्शन को नई पाइपलाइन में शिफ्टिंग का कार्य हेतु जल नष्ट निवारण मद अंतर्गत 10 लाख का प्रस्ताव बनाने निर्देश दिए। निगम द्वारा तिथि निर्धारित कर क्षेत्र में शटडाउन लेकर अमृत मिशन के तहत 12 नग नए वॉल्व टंकियों में लगाने हेतु आदेशित भी किया गया। वहीं पद्मनापुर में निर्मित नई पानी टंकी को जोड़ने का कार्य और अन्य दो स्थानों पर पद्मनापुर में जोड़ने का कार्य शीघ्र करवाने के लिए निर्देशित किया। वहीं दीपक नगर क्षेत्र के विभिन्न गलियों में व्याप्त पेयजल समस्या के निराकरण हेतु पीडीएमसी हेड के साथ निरीक्षण कर समस्याओं का निराकरण किया जाए। महापौर धीरज बाकलीवाल व आयुक्त प्रकाश सर्वे ने नाला डायवर्सन के कॉफर डैम की मिट्टी को हटाने हेतु संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई तत्काल किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर व आयुक्त ने कहा कि 11 MLD फिल्टर प्लांट में लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन के संबंध में परिवर्तन करने हेतु CSEB को जल्द पत्र लिखने कहा गया है। बैठक में महापौर धीरज बाकलीवाल ने अमृत मिशन के शेष कार्यों में तेजी लाकर कार्य पूर्ण करने निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मनोकामनेश्वर शिव मंदिर पावर हाउस में सावन महोत्सव एवं कावड़ यात्रा निकालने को लेकर ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति की बैठक मंदिर समिति के संयोजक सुमन शील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इस वर्ष भी शिवनाथ नदी तट से पैदल कावड़ यात्रा 8 अगस्त को निकालने का निर्णय लिया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवनाथ नदी तट से पैदल पावर हाउस स्थित मनोकामनेश्वर मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकालने ओम धर्म सेवा एवं जन कल्याण समिति की बैठक मनोकामनेश्वर मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में सावन महोत्सव को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने भिलाई के विभिन्न स्थानों पर समिति की सांस्कृतिक महिला मंडली द्वारा शिव चर्चा के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक की जानकारी मंदिर समिति के संयोजक सुमन शील ने दी। सावन का मास बाबा भोलेनाथ का हर दिन आराधना करने का मास होता है और मंदिर उपरांत बनने के बाद से साल 2001 से विगत 20 वर्षों से ओम धर्म सेवा जन कल्याण समिति के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाला जाता है। इसी कांवड़ यात्रा के संबंध को लेकर आज एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में 8 अगस्त सावन सोमवार के अंतिम सोमवार को कांवड़ यात्रा निकाला जाएगा और साथ ही 10 अगस्त को एक विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। और इस बैठक में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सावन पर्व समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई है।
बहरहाल बैठक में 10 अगस्त को मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शिव भक्तों का सम्मान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति का विस्तार करने, पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग गर्ल्स कॉलेज में मनाया गया सावन उत्सव, जिसमें विशेष परिधान में कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वही परिसर में स्टॉल भी लगाए गए। दुर्ग के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सावन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा बनाए गए आकर्षक परिधान व्यंजन कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कॉलेज के पूर्व वर्तमान की छात्राओं ने इस सावन उत्सव में सभी ने विशेष परिधान हरी साड़ी पहनकर पहुंची और साथ ही इस अवसर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को तत्काल पुरस्कृत भी किया गया। महाविद्यालय के कौशल विकास केंद्र प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने बताया कि छात्राओं की रचनात्मक कला को प्रोत्साहित करने एवं मंच प्रदान करने सावन उत्सव आयोजित किया गया है। उन्होंने यही बताया कि राखी त्योहार के उपलक्ष्य में सुंदर मनभावन राखियां भी छात्राओं ने बनाई हैं, जिन्हें प्रदर्शित व विक्रय किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर DC अग्रवाल ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। सावन उत्सव में दुर्ग भिलाई के विभिन्न महाविद्यालयों एवं शालाओं के विद्यार्थियों एवं शिक्षक शामिल हुए। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी, कौशल विकास केंद्र प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश सहित स्टॉल लगाए छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज का हमारा आयोजन है वो सावन उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और इसमें हमारे गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं ने इसमें और उनके प्राध्यापकों ने, विशेषकर गृह विज्ञान के हमारे डॉक्टर रेशमा लाकेश ने इसका संयोजन किया है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ हैं, चाहे वो कपड़े पर हो, चाहे विभिन्न प्लास्टिक आइटम पर हो, जिसमें छात्राओं ने खुद बनाया है। ग्रह की गृह साजसज्जा की वस्तुएँ हैं उसमें, उसमें मेहंदी है, कला है, केश कला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को और उनकी प्रतिभाओं को उभारती हैं। तो मुख्य उद्देश्य आज के सावन उत्सव का यही है कि छात्राओं की जो प्रतिभाएं हैं उसको हम सबके सामने प्रस्तुत करें, चाहे वो व्यंजन के माध्यम से हो, चाहे वो होममेड जितनी सामग्री है उनके माध्यम से हो। और एक अच्छा माहौल छात्राओं ने बनाया है और बड़े उत्साह के साथ हम लोग हमेशा, प्राचीन परंपरा भी रही है कि सावन को हम सावन मेले का आयोजन किया जाता रहा है और सावन उत्सव पर महिलाएँ काफ़ी उत्साह के साथ भाग लेती हैं। ये छात्राओं ने भी इन परंपराओं का निर्वाह किया है और बहुत अच्छे रूप से उन्होंने प्रतियोगिताओं में भी और स्पर्धाओं में भाग लिया है, उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं और इस प्रकार के आयोजन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होता है। सावन उत्सव का आयोजन किया गया है, जैसे कि आपको पता ही है कि कोविड की वजह से पिछले 2-3 सालों से हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से कटे हुए थे और बहुत ज़्यादा बच्चों में भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा था। उनको कॉलेज में वापस अट्रैक्ट करने के लिए, उनको नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए इस तरह का हमने एक आयोजन किया है, जिसमें कुछ गेम्स भी हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये इसके साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि सिर्फ एक जो रेगुलर डिग्री है ये काफ़ी नहीं है, बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे काम जो कि वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही यहाँ सीखते हैं उसको एक तरह से उनको जो इंडस्ट्री है उसके लिए तैयार करना, रेडी करना, साथ में उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोड्यूसर करना, मतलब खुद अपना काम करना, इस बात पे ज़्यादा हम महत्व दे रहे हैं और ये काम वो अपने घरों से बहुत कम लेवल पे शुरू कर सकते हैं। किस तरह मार्केटिंग करें, किस तरह एडवर्टाइज़ करें, ये सारे स्ट्रेटजीज उनको सिखाए जा रहे हैं और साथ ये हमारे साथ रेगुलर कोर्सेज भी हमने अपने कॉलेज में स्टार्ट किए हैं। इसके साथ ही हमारे एक्स स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, उनको हमने यहाँ पर आज इन्वाइट किया है ताकि जो हमारे अभी के जो बच्चे हैं वो उनसे देखें, सीखें, मोटिवेट हों और इस काम को आगे बढ़ाएं। ये इसका मेन हमारा एम है और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने कुछ गेम्स का भी रखा है, उसको भी और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ वो कुछ चीज़ें सीख भी रहे हैं। जो लोग सीनियर्स आए हैं, आसपास के कॉलेजेस और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी अपने यहाँ पर इन्वाइट किया है इस आयोजन में। ये कांता वर्क है, लोगों को बहुत ज़्यादा ये हाथ से बना है।
और ये ना मिनिमम 2 महीने में पूरा साड़ी कंप्लीट है। कितनी प्राइस है इसकी? क्या मैं यहाँ की छात्रा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये आगे जनरेशन में बहुत काम आने वाला है, जैसा कि कुर्ता है, ये पहले तो राजस्थान में ये कुर्ता लड़के लोग पहनते थे, अब ये लड़कियाँ भी पहन सकती हैं। इसका फ्रॉक बना के, कुर्ता बना के, जैसा कि आप कर सकते हैं। और जैसा कि छोटा सा पाउच है, छोटा सा बेबी पाउच है, और ये गिफ्टेड है, इसमें फ़ोटो वगैरह करके भी आप लगा के आप सेलिंग कर सकते हैं। ये हालांकि लगता है इसमें टाइम, बट ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अपनी। मैं यहाँ की भूतपूर्व छात्र हूँ, मैं पढ़ने के साथ साथ ये सब सीखती हूँ कि ये हमारा ड्रीम कैचर है अपना, इसको मैं अपना बिजनेस करती हूँ। जो ऑर्डर देते हैं ना, उन लोग को मैं ऑनलाइन देती हूँ। इसमें इसको बनाते तो हम लोग को टाइम तो लगता है वैसे, बट बेनिफिट है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम, जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखें, हृदय घात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता, हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 07884217657। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता, पल्स हॉस्पिटल, 2/4 नेहरू नगर, पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884014141, 07883590112, मोबाइल नंबर
9300171767। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 7730777122। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर निरंतर रूप से भिलाई निगम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में निगम आयुक्त ने वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 14 शांति नगर पहुंचे। वहां उन्होंने मोहल्ले में सफाई व्यवस्था देखी और बैकलाइन का निरीक्षण भी किया। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सफाई को लेकर मोहल्ले के वासियों से फीडबैक लिया। सड़कों के किनारे की झाड़ियों की सफाई करने के निर्देश दिए। बरसात के सीजन को देखते हुए नालियों की सफाई को निरंतरता में लाने के लिए कहा और सघन बस्तियों में नाली सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। कई स्थानों पर दीवारों में उन्हें पॉम्पलेट और पोस्टर चिपके हुए मिले। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के पोस्टर व पॉम्पलेट चिपकाने वालों को नोटिस जारी करें। वहीं उन्होंने जुर्माना भी लगाने की बातें कही। उन्होंने पाया कि बेतरतीब तरीके से सार्वजनिक स्थानों में बिना अनुमति के कहीं भी पोस्टर एवं पॉम्पलेट आदि प्रचार सामग्री लगा दी जाती है, जिससे सालों साल ऐसे पोस्टर और पॉम्पलेट चिपके हुए रहते हैं, जिन्हें वापस निकालने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं शहर की स्वच्छता और सुंदरता पर भी दाग लगता है। एक बार इन्हें लगाने के बाद वह इन्हीं स्थानों पर काफी समय तक लगे हुए रहते हैं और दिखने में खराब लगते हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि जोन कमिश्नर निरीक्षण के दौरान ऐसे सभी प्रचार सामग्रियों को जो सार्वजनिक स्थलों पर बेतरतीब तरीके से और अवैध तरीके से लगे हुए हैं, उन्हें नोटिस जारी करें और उनसे जुर्माना भी वसूल करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुपेला थाना पुलिस ने साल भर से फरार चोरी के आरोपी को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अपने पिता के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। अपने ही शिष्यों के घर चोरी करने वाले आरोपी बाबा उर्फ अजेंद्र मिश्रा निवासी ग्राम सिंघोरी जिला राजनांदगांव को सुपेला थाना पुलिस ने चोरी के जेवरात के साथ गदा चौक सुपेला से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सोने के एक जोड़ी झुमके कीमत 55,000 को बेचने गदा चौक आया हुआ था। आरोपी ने पूछताछ में सोने के झुमके को कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से अपने पिता राजेंद्र मिश्रा के साथ मिलकर शिष्य के घर से चोरी किए जाने की घटना को स्वीकारा है। आरोपी का पिता पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी पुलिस से बचने जगह बदल बदल कर रहा करता था। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने दी। जी सर, बताएंगे चोरी के पुराने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या मामला, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? ये हरिराम वर्मा जी हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के निवासी। इनके घर से दिनांक 30/7/2021 को पिछले वर्ष की घटना है, घटना हुई थी और घटने में काफ़ी सारे ज्वेलरीज वगैरह चले गए थे। इस मामले पे पहले भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार करके काफ़ी जो चोरी गए थे वो जाप्ता उसको पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। इसमें एक अन्य आरोपी राजेंद्र मिश्रा करके जो है वो फरार था। इसकी सूचना हमको मिली कि राजनांदगांव में ये आया हुआ है, तो राजनांदगांव से इसको गिरफ्तार करने के बाद पे इससे जो इसके ये जो अपने पास में एक झुमका रखा था, सोने का झुमका है, एक पुलिस ऊपर का है, वो उसको जब्ती किया गया है।
और जब्त करने उपरांत में विधि संगत कार्रवाई करते मामले में प्रस्तुत किया जाएगा। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा के साथ उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, आरक्षक विकास तिवारी की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शास्त्री नगर सुपेला स्थित बीएम शाह हॉस्पिटल में रविवार को छाती, एलर्जी, फेफड़ों और निद्रा रोग से संबंधित समस्याओं के निराकरण को लेकर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अस्पताल के डॉक्टर तन्मय जैन ने मरीजों की जाँच की और उपचार कर दवाएं भी दी। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला में रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अस्पताल के छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय जैन ने मरीजों की जांच कर उपचार किया। शिविर में छाती, एलर्जी, फेफड़ा और निद्रा रोग से ग्रसित मरीज पहुंचे, जहां डॉक्टर तन्मय जैन ने बीमारी से बचाव की जानकारी देते हुए जाँच और उपचार किया। शिविर का लाभ आसपास के लोगों सहित अन्य क्षेत्रों से आए लोगों द्वारा उठाया गया। शिविर को लेकर डॉक्टर तन्मय जैन ने जानकारी दी। जी सर, बताएंगे आज बीएम शाह हॉस्पिटल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को वायरल फीवर हो रहा है, उसमें से कई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं और आम वायरल फ्लू इन्फेक्शन भी हो रहा है। साथ ही साथ इस मौसम के बदलाव की वजह से जो भी अस्थमा, दमा के पेशेंट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके लक्षणों में बढ़ोतरी हो जाती है, उनको दवाइयों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ पेशेंट्स की ऐसी भी नौबत आती है कि उनको भर्ती करने की नौबत आती है। जो पेशेंट्स रेगुलर अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, वैसे पेशेंट्स में भर्ती करने की भी नौबत आ रही है, इसलिए हमने यह स्वास्थ्य शिविर लगवाया है जो कि संडे के दिन हमने आयोजन किया है, जिसका ताकि लोग जो कि अन्य दिनों में नहीं आ पाते हैं अपने काम या किसी अपने कामकाज की वजह से, वो संडे के दिन आ करके इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा सकें। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर तन्मय जैन, बीएम शाह हॉस्पिटल में मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। हम यहाँ पर अपने अस्पताल में सांस की बीमारियों के अलावा फेफड़ों से रिलेटेड अन्य बीमारियों का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स, निद्रा संबंधित बीमारियाँ, जैसे कि कुछ लोगों को खर्राटे आते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, दिन भर झपकियाँ आती हैं या कामकाज में मन नहीं लगता है, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये इससे रिलेटेड समस्याओं का भी हम इलाज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी आईसीयू है, जिसमें क्रिटिकल पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर से लेकर के सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिसमें क्रिटिकल से क्रिटिकल मरीज जो बाहर की जगह से आते हैं, उनका भी हम पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू सर। गौरतलब है कि बीएम शाह अस्पताल द्वारा समय समय पर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों के उपचार को लेकर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में मरीजों द्वारा उठाया जा रहा है। सैकड़ों मरीज अस्पताल के स्वास्थ्य शिविर से लाभान्वित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजी स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा।
मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मेरे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़, जो बच्चों को डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पर कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MJ स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MJ स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MJ स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। Contact 9893215251 or 8966981590. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक थानों में बाल मित्र कक्ष बनाए गए हैं, जिसके संचालन को लेकर सरकार द्वारा कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन पूर्ण रूप से किए जाने को लेकर चाइल्ड लाइन के दुर्ग जिला संयोजक ने सुपेला थाना का निरीक्षण किया और यहां की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। बाल अपराधियों को पेशेवर अपराधियों के साथ न रखना पड़े और बाल अपराधियों को एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए प्रत्येक थानों में बाल मित्र कक्ष की स्थापना की गई है, जिसकी देखरेख थाना प्रभारी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए बाल मित्र कक्ष प्रभारी के कंधों पर होती है, जिसका समय समय पर चाइल्ड लाइन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसी कड़ी में चाइल्ड लाइन जिला दुर्ग के प्रभारी सुरेश कापसे रविवार को सुपेला थाना पहुंचे और उन्होंने बाल मित्र कक्ष का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई और इसके लिए सुपेला थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद भी कहा। मेरा नाम सुरेश कापसे है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ चाइल्ड लाइन दुर्ग के लिए। आज आप बाल मित्र कक्ष सुपेला थाना का निरीक्षण करने आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या निरीक्षण कर रहे हैं, क्या देखने को मिला? उद्देश्य यही है कि जितने भी बाल मित्र थाने बनाए गए हैं, जो कक्ष बनाए गए हैं, वो एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो भी बच्चे 18 वर्ष से कम के आते हैं
उन बच्चों को यहाँ रखा जाता है ताकि उन्हें बड़े अपराधियों के साथ में नहीं रखा जाता, ताकि उनकी मानसिक स्थिति कहीं प्रभावित ना हो। तो ये बाल मित्र कक्ष बनाया गया है और सुपेला का आज मैं ये देखने आया था कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उस योग्य बनी है कि नहीं। तो मैंने पाया कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी हुई है और वो बच्चों के योग्य है। तो दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन को कोई नसीहत या क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुपेला पुलिस थाने को कि आज मैंने सुपेला का ही निरीक्षण किया है, इसलिए और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, जैसे मैंने बात भी की थी, तो व्यवस्थाओं से संतुष्टि मिली है और उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे चाइल्डलाइन को। बाल अपराधी अनजाने में अपराध कर बैठते हैं, जिसका बहुत ही सौम्य तरीके से निराकरण किया जाता है, जिससे बाल अपराधी आगे चलकर पेशेवर अपराधी में ना बदल जाए। इसे देखते हुए बाल अपराधियों के लिए थाना परिसर में एक अलग वातावरण देने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो हर थानों में एक बाल मित्र कक्ष हो, सुपेला थाने में भी इसकी व्यवस्था है, एक पृथक से बाल मित्र कक्ष की का निर्माण किया गया है और उसमें जो भी बालक से संबंधित जो अपराध होते हैं, कहना चाहिए कि कई बार जो नाबालिग लोग जो आरोपी वगैरह बन जाते हैं और उनको अपन बाल मित्र कक्ष पर रखते हैं, साथ में जो हमारे जो बाल अधिकारी हैं विभाग में हमारे अलग से नियुक्त किए जाते हैं, हमारे थाने में से ही होते हैं, तो वो लोग उनको डील करते हैं सिविल जस्ट में। ये सारा चीज़ सारा जो व्यवस्था है सुपेला थाने में है और इसको पूरी तरीके से पालन किया जाता है। चाइल्डलाइन जिला संयोजक सुरेश काफ से फिलहाल सुपेला थाना परिसर में बने बाल मित्र कक्ष के निरीक्षण से संतुष्ट नजर आए। आगे यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जिले के अन्य थानों का निरीक्षण भी इनके द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मुहर्रम के अवसर पर किए जा रहे तकरीर के सातवें दिन मौलाना नादिर हुसैन ने हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पर बयान किया। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन पैगम्बर साहब के नवासे थे, जिनसे नबी को बहुत मोहब्बत थी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी के द्वारा तकिया पारा स्कूल मैदान में आयोजित तकरीर में मौलाना नादिर हुसैन साहब ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन पैगंबर साहब नव के नवासे हैं और मौला अली और हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनसे नबी बहुत मोहब्बत किया करते थे, जिनकी पैदाइश के मौके पर आसमान से नबी के घर अल्लाह की तरफ से बधाई का संदेश लेकर फरिश्ते आए थे। पैगंबर मुस्तफ़ा आपसे बहुत प्यार किया करते थे और फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जिसने हुसैन को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने हुसैन को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। यही वजह है कि जब हुसैन को कोई तकलीफ पहुँचती तो पैगंबर मुस्तफ़ा बेचैन हो जाते। एक बार नबी अपनी बेटी फातिमा के घर गए, हुसैन को रोता देखा तो आप अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा हुसैन को न रुलाया करो, हुसैन के रोने से मुझे रोना आता है। मौलाना नादिर हुसैन ने अपनी तकरीर में कहा कि इमाम हुसैन ने पूरी जिंदगी गरीब बेसहारा लोगों की मदद की और इसी की शिक्षा देते भी रहे। एक बार आप एक बीमार को देखने गए, उस बीमार से मुलाकात की तो उस बीमार ने कहा, ए हुसैन मैंने किसी से कर्ज ले रखा है और मैं बगैर कर्ज के अदा किए नहीं मरना चाहता और मेरे पास कर्ज अदा करने के लिए पैसे भी नहीं है, तो आपने कई हजार दिरहम दे करके उसका कर्ज अदा कर दिया। इमाम हुसैन इसी तरीके से सभी गरीबों का ख्याल रखते रहे और आप बचपन से ही गरीबों में अपनी हर चीजों को बांटा करते थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राखी का पर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में दुकानें सजने लगी है। राखी की दुकानें सजकर तैयार है, वहीं अपने भाई की कलाई में राखी बांधने बहनें अब बाजार में सजी राखी की दुकानों पर पहुंचकर अपनी मनपसंद राखी लेते नजर आई। भाई बहन के पवित्र बंधन का पर्व रक्षाबंधन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक बढ़ती दिखाई पड़ रही है। दुर्ग शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी राखियों की दुकानें सजकर तैयार है। आगामी 11 अगस्त को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। वही कोरोना के 2 साल होने के बाद राखी के त्योहार पर इस बार उत्साह दुगना हो चुका है। शहर के अधिकतर बाजारों में राखी की दुकानें सजकर तैयार है। यहाँ पर दिन भर खरीदारी का दौर चलता दिखाई पड़ रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के इंदिरा मार्केट में भी राखी की दुकानें सजकर तैयार हैं। राखी के बाजार में इन दिनों 50 से लेकर 500 रुपए तक की राखी उपलब्ध है।
साथ ही इस बार राखी के बाजार में चाइनीज की जगह लोकल मेड राखी को अधिक पसंद किया जा रहा है। बाजार में बच्चों के लिए डोरेमोन, छोटा भीम, हाथ घड़ी की राखी तैयार की गई है। तो वहीं अपने भाई को राखी भेजने वाली बहनों के लिए पार्सल राखी उतारी गई है, जिसकी इन दिनों खासी मांग बनी हुई है। ग्रैनेसीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।